नमस्कार, मैं बीनू राय एक बार फिर स्वागत करती हूँ अपने चैनल बीनू राय फैमिली में। तो जैसा कि कितने दिनों से आई थिंक 4-5 वीडियो आ गई होंगी, तब से मैं कह रही थी कि बेडरूम मेकओवर आएगा। तो फाइनली आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना बेडरूम मेकओवर। अब मेकओवर क्या है, मतलब थोड़ा बहुत जो दिवाली के लिए लाइटिंग वाइटिंग करना है, साफ़ सफाई की है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, शायद थोड़ा बहुत आप लोगों को भी आइडिया मिल जाए, तो वो दिखाऊंगे। तो चलिए देख लीजिए और क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकती हूं उसमें और या डेकोरेशन में, तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को मैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आजकल नोटिफिकेशन नहीं जा रही है तो आप वो जो बगल में घंटी आती है ना, उसे प्रेस कर दिया करिए, या फिर आप चैनल पर जाके एक दिन छोड़ के एक दिन मैं वीडियो डालती हूँ तो आप चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको नई वीडियो डेफिनेटली मिलेगी। चलिए पहले देख लेते हैं और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। किसी भी रूम का मेकओवर करें तो सबसे पहले है कि हम पहले रूम को पूरा खाली कर लें। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पूरा शोकेस खाली कर दिया, सिर्फ मुझे दो चीज़ें रखनी है, एक घड़ी और एक वो मेरा नाम का है राउंड वाला, वो बाकी सब मैंने हटा दिया है, साफ कर लिया है, सब कुछ हटा दिया। वो खाली मेरा स्नेक प्लांट वहाँ पे रहता है हमेशा, वो वहाँ पड़ा है। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ से सब कुछ मैंने खाली कर दिया है, साफ कर दिया है। अब मुझे खाली डेकोरेट करना है, तो आपके साथ मैं डेकोरेट करूँगी जैसी चीज़ें यहाँ लगानी है। तो चलिए पहले शोकेस से स्टार्ट करते हैं। बेडशीट बिछा दी है और सेम कंफर्टर आपने देखा होगा मेरे वीडियो में, मैंने इसका वीडियो शेयर किया था, मैंने मंगाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, मैंने सोचा ये बिछाती हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, आप मेरा बेड का हेडबोर्ड देख सकते हैं, उसी के मैचिंग मैंने ये वाला बॉक्स जो बनाया था, देखिए आप सेम उसका मैचिंग है। अभी मैं इसको सजाके पूरा लुक आपको दिखाऊंगी और देख लीजिए, लग ही नहीं रहा है कि जो है बेड और बॉक्स अलग कलर का है, इतना प्यारा लग रहा है। तो अभी मैं फिलहाल टेबल सजाऊंगी, कैनोपी बनाऊंगी और उसके बाद शोकेस मैंने जो है सजा दिया है, देख सकते हैं आप। बहुत ज्यादा कुछ नहीं रखा है, बस थोड़ी बहुत सी चीजें रखी हैं जो है, जो कि बहुत सूदिंग से इफेक्ट है और बहुत बहुत पोछ ना लगे। तो अभी लाइटिंग बाकी है, कैनोपी बाकी है और टेबल डेकोरेशन बाकी है, तो अभी मैं मिलती हूँ आपसे। ये खतरों के खिलाड़ी वाला काम है थोड़ा सा, लेकिन कैनोपी बिना तो मुझे लगता है कोई फेस्टिवल जो है सही नहीं होगा। तो अभी मैंने इसी सेम साड़ी के मैचिंग का ऊन ले लिया है थ्रेड, तो इसको ऐसे कर देंगे। अभी हमारी कैनोपी हो गई रेडी, बस चेक कर लेते हैं कि उल्टा है बॉर्डर या सीधा, नहीं तो फिर हर बार क्या होता है जब भी मैं कैनोपी बनाती हूँ बॉर्डर उल्टा हो जाता है, फिर मुझे चढ़ना पड़ता है। तो आई थिंक बॉर्डर सीधा है ये। अब उतरती हूँ मैं नीचे सीढ़ी से, फिर इसको सही करती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने शोकेस में बस कुछ नहीं किया, वो जो डोलची थी उसमें थोड़ी सी लाइट लगा दी है, लाइट तो वैसे भी दिवाली का वो है। और यहाँ पे वो जो आर्ट मैंने वो लास्ट वाली वीडियो में, इसमें कि मैंने 8 होल्डर मंगा लिए, बाय मिस्टेक मैंने 4 ही मंगाए थे, बट पता नहीं कैसे वो 8 आ गए, वो बहुत सुंदर लग रहा है। तो इसको मैंने एक जो डाइनिंग टेबल मैट होता है ना वो है कॉपर कलर में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ मैंने रख दिया। वहां 2 बुद्धाजी हैं, इनमें लाइट जलती है ना अजीब सी शांति फील होती है, एकदम माइंड जैसे पीस लगता है इनको देख के। और उसके बाद ये जो बॉक्स मैंने बनाया वो तो आप देख ही सकते हैं, मतलब इतना प्यारा लग रहा है ये ना कि लग ही नहीं रहा है कि हाथ का एकदम उड़न लुक आ रहा है। और साइड में 2 चेयर रख दिए हैं। उसके बाद आते हैं हम बेड की तरफ। अब जो है बेड का मैं दिखा देती हूँ, नॉर्मल कैनोपी जो मेरी रहती है वो तो रहनी ही रहनी है मेरी, यहाँ पे और जहाँ मैं वीडियो बनाती हूँ 2 जगह मेरी हमेशा कैनोपी रहनी है। एक चीज मैंने ऐड की है, वो जो लाइट ब्लिंक कर रही है कलरफुल लाइट है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत लाइट वेट है, वो कांच का नहीं है, बैटरी से चलता है, तो आप टेंशन लीजिए कि गिरेगा या चोट लगेगी। और वहाँ पे 2 ट्यूब लाइट होल्डर है और यहाँ पे 2 कैंडल जल रहे हैं, वो पिंक कलर का, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कैंडल जलना चारों तरफ। तो बस वो ड्रेसिंग टेबल वहाँ मेरा वहाँ रहता ही, आपने देखा ही होगा पहले वीडियो में मैंने बनाया है, क्योंकि बगल में वो कवर्ड है और वहीं पे बैठ के मैं क्या करती हूँ, तैयार होती हूँ और वहीं से लाइट सामने है तो ठीक ठाक फेस पे दिख जाता है, मैं वहीं तैयार होकर फिर वहीं सब अंदर डाल के चली जाती हूँ, तो रूम ज़्यादा बहुत फटाफट मेसी नहीं होता है। और बस इतना ही है, ये नीचे दरी है, इसे ज़्यादा बेडरूम में रखती नहीं हूँ मैं, क्योंकि बच्चे हैं सारा दिन उछल कूद करके खराब करते रहते हैं, नॉर्मल इतना ही रहता है।
और अभी मैं जो है आपको लाइट ऑफ करके एक बार दिखा देती हूँ। तो अभी देख सकते हैं लाइट खाली वो जो ड्रेसिंग है उसमें लाइट मेरी हमेशा रहती है, एक्स्ट्रा लाइट वो जो बल्ब जल रहे हैं वो जली है, और जो कैंडल्स जल रहे हैं वो मैं कैंडल्स में ओकेजनली जलाती हूँ, कभी मेरा मन किया या रूम अच्छे से साफ ऑफ किया है तब जला देती हूँ, नहीं तो वो लाइट तो हमेशा रहते हैं, कैनोपी हमेशा रहती है। उसके बाद जो है ये वाली जो लाइट्स हैं ये भी मैं हमेशा नहीं जलाती हूँ, कोई फेस्टिवल है, बच्चों का बर्थडे है या फिर कुछ भी ऐसे है तो फिर जला देती हूँ मैं। तो लाइट बंद करके भी उतना ही प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और आप देख सकते हैं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और वहां पे मैंने दिखाया नहीं आपको जो मेरा वो स्नेक प्लांट है वो कितना सुंदर लग रहा है, वहां पे भी मैंने लाइट लगा दी है। ये मेरा यहीं पे रहता है हमेशा, चाहे साफ सफाई हो घर में वो निकालते नहीं, ऐसे ही पड़ा रहता है। प्लांटर भी मैंने बनाया है और इसका जो है आपके साथ वीडियो शेयर किया है, आप देख सकते हैं। तो बस कैसा रहा बताइएगा, ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो गई हैं दिवाली की, अब से दिवाली मनाना है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, और कोई भी कमी लगे तो प्लीज जरूर बताइएगा।